आज श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी को पूरे 22 साल हो गए हैं। अब ऐसे में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने श्रीदेवी के ट्विटर अकाउंट से ही इस शादी का एक वीडियो शेयर किया है। शादी में श्रीदेवी अपने पति और छोटी बेटी खुशी के साथ गई थी, जबकि बड़ी बेटी जानवी अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के चलते वहां नहीं जा पाई थी। ट्विटर पर कुछ देर पहले बोनी कपूर ने अपनी पत्नी के साथ इस शादी के बेहद यादगार और खूबसूरत पल को साझा किया। बोनी कपूर श्रीदेवी के जाने के बाद कुछ अहम मौकों पर उनके ट्विटर अकाउंट से संदेश देते रहे हैं। इस शादी में सोनम कपूर अपने पति आनंद आहूजा के साथ गई थी। इस सीन में श्रीदेवी आनंद आहूजा से भी गले लगती हुई नजर आ रही हैं। वो वीडियो है जो बोनी कपूर ने श्रीदेवी के ही ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। जाहिर सी बात है, बोनी कपूर बहुत मिस कर रहे हैं श्रीदेवी को। ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि श्रीदेवी हमारे ही बीच हैं, उनके बीच हैं। बहुत मिस कर रहे हैं श्रीदेवी को। ये देखिए, यू आर मोर देन अ लेजेंड, योर वैक्यूम विल ये बोनी कपूर ने शेयर किया है ट्विटर हैंडल से। और वो ट्विटर हैंडल जो श्रीदेवी यूज करती थी, जो श्रीदेवी का अकाउंट है। क्योंकि आज ही शादी हुई थी, 22 साल पहले शादी की सालगिरह है। और आज इस मौके पर बोनी कपूर ने ये यादगार वीडियो बनाकर शेयर किया है। हाल ही का ये वीडियो है, तस्वीरें इसके अंदर जो हैं, हाल ही में जिस शादी समारोह में शामिल हुए थे बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ, उसका ये वीडियो है जो खूबसूरत पल उस समय साझा किए थे श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर ने। वो पल बोनी कपूर ने साझा किए हैं। वही शादी है जिसके बाद कभी श्रीदेवी लौट कर नहीं आई। पूरे देश को अचानक से एक सदमा दे दिया था श्रीदेवी ने, कभी लौट कर उसके बाद नहीं आई। और आज इस मौके पर जब शादी की सालगिरह है बोनी कपूर की, श्रीदेवी की आज से ठीक 22 साल पहले शादी हुई थी बोनी कपूर और श्रीदेवी की, आज ही के दिन को इस तरीके से रिवाइव किया है बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ।